जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिक्स वेज लेकर आई हूँ। आप यदि बिना आलू, बिना टमाटर, बिना प्याज के सब्जी बनाना चाहते हो तो ये सब्जी ट्राई करके देखिए, बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लौकी ली है, वजन में 550 ग्राम, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा। आपने लौकी और गाजर के कॉम्बिनेशन में कभी सब्जी नहीं बनाई होगी, यूनिक कॉम्बिनेशन है। एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया लगती है सब्जी। अब गाजर को भी छील लेंगे। दो गाजर लिए हैं, वजन में है 530 ग्राम, ये भी आधा किलो में थोड़े से ज़्यादा ही है। आपको रेड गाजर के अलावा ऑरेंज, ब्लैक, जो गाजर मिले आप वो ले सकते हो। नॉर्मल साइज में काट लेंगे। लौकी और गाजर को वजन में इक्वल ही लेना है। लौकी इस तरह से कच्ची ही ले तो सब्जी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। गैस पर मोटे तले की कढ़ाई रखेंगे और उसमें 4 चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही ले और उसमें 1-1 चम्मच राई और जीरा डालेंगे। फिर 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। आप यदि खड़े गर्म मसाले डालना चाहते हो तो इसी समय डाल दें। अब हम तुरंत लौकी और गाजर दोनों को साथ में ही डाल देंगे। करीब करीब दोनों को पकने में इक्वल टाइम लगता है, इसलिए मैं साथ में ही डाल रही हूँ। आप चाहो तो गाजर को पहले डालकर 2 मिनट सौते कर सकते हो। पहले हम नमक मिला देंगे, मसाले बाद में मिलाएंगे। 2.5 चम्मच नमक डाला है मैंने, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला ले। नमक को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे ना। यदि आपकी लौकी कच्ची होगी तो उसे कम टाइम लगेगा पकने में। अभी भी इसे थोड़ा सा टाइम है। गाजर और लौकी दोनों पूरे सॉफ्ट हो जाने चाहिए। थोड़ी देर वापस से ढककर पकाएंगे। थोड़ी देर बाद देखिए, अब गाजर और लौकी दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से चेक करके देख ले, उसके बाद ही हम मसाले मिलाएंगे। मसाले हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, रेगुलर मसाले ही यूज़ करेंगे। थोड़ी सी बीच में जगह बना लेंगे सब्जी को साइड में करके, और फिर बीच में मसालों को भुनेंगे। 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी ले रही हूँ मैं। उसके बाद धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, 2.5 चम्मच है ये। और फिर 1 चम्मच जीरा पाउडर मिलाएंगे। अभी गैस की फ्लेम स्लो कर दे और मसालों को यहीं पर चलाकर 2 मिनट तक भून लेंगे। जैसे ही मसाले की खुशबू आने लगे, हम इसमें 1 कप फ्रेश मटर डाल देंगे। आप मटर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो और फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हो। मटर को मिक्स करने के बाद ढककर पका लेंगे। मटर को सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच कटा हुआ गुड़ मिलाएंगे। गुड़ को स्किप नहीं करना है, बस थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें। सब्जी को हमें खट्टा मीठा टेस्ट देना है तो सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे गाजर मीठे ही होते हैं, इसलिए हमने गुड़ कम डाला है। गुड़ को मिक्स करने के बाद 2 से 3 चम्मच आमचूर पाउडर मिलाएंगे। यहाँ पर हमें लेमन यूज़ नहीं करना है, आमचूर पाउडर ही डालें। फिर देखिए सब्जी का टेस्ट, कोई बता ही नहीं पाएगा कि हमने इस सब्जी में लौकी भी यूज़ की है। आमचूर को मिक्स करने के बाद 1 कप फ्रोजन कॉर्न डाल रही हूँ। आप यहाँ पर फ्रेश कॉर्न यूज़ करें तो उसे बॉयल कर ले, उसके बाद ही डालें। कॉर्न और मटर की क्वांटिटी इक्वल लेनी है हमें। आप भी फ्रोजन कॉर्न यूज़ करें तो लास्ट में ही डालें। अब इसे भी थोड़ी देर ढक देंगे, बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद देखिए सब्जी हमारी कितनी बढ़िया हो गई है। आप यदि इसमें गरम मसाला डालना चाहते हो तो थोड़ा सा डाल सकते हो। हमने इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, आलू, टमाटर, हरी मिर्च कुछ भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और हरी धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी रेडी है, एकदम परफेक्ट बनी है। आप इसे रोटी, पराठा किसी के भी साथ सर्व करें, ये चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इतनी कलरफुल और कम मसाले वाली सब्जी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्जी में ध्यान देने वाली बात बस ये है कि आप इसमें जो भी मसाले यूज़ करें थोड़े थोड़े से ज़्यादा डालें, और गुड़ और आमचूर पाउडर को स्किप नहीं करना है, और तेल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ले। सब्जी को खाते समय थोड़ा सा तीखापन मुँह को लगना चाहिए और खट्टा मीठा टेस्ट दोनों आना चाहिए, तो सब्जी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।